आज हम लोग पढ़ने का काम करेंगे संसद। क्या पढ़ने का काम करेंगे? संसद। अब संसद को हम लोग लोकसभा भी कह सकते हैं, लोकसभा। इसको हम लोग बोल सकते हैं जनता का सदन। क्या कह सकते हैं? जनता का सदन। और क्या कह सकते हैं? निम्न सदन। निम्न सदन। और इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन। तो संसद, लोकसभा, लोकसभा या संसद को हम लोग अनेकों नामों से जानते हैं। लोक का मतलब हो जाएगा जनता और सभा का अर्थ हो जाएगा सदन। और इसको कह सकते हैं जनता का सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में की गई है। कितने में की गई है? 79 में की गई है। अब संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन? तो पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। अब लोकसभा की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में की गई है, राज्यसभा की चर्चा 80 में की गई है और राष्ट्रपति की 52 में की गई है। तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखें।